ओम शांति। योग युक्त और युक्ति युक्त रहकर कर्म करने वाले ही विघ्नों से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, विघ्न तो सभी के जीवन में आ रहे हैं, लेकिन किसी को वो विघ्न भारी पड़ते हैं और किसी को हल्के, किसी के विघ्न सहज ही चल जाते हैं और किसी के विघ्न मनुष्य को नष्ट करने के बाद समाप्त होते हैं। हम अपनी कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाएं, संकल्पों पर कंट्रोल। जो मनुष्य अपने संकल्पों पर कंट्रोल करके अपनी मन बुद्धि को सेकंड में स्थिर कर दे, बाबा के स्वरूप में या आत्मा के स्वरूप में, वही सच्चा योगी है। और विघ्न ऐसी शक्तिशाली आत्मा के सामने ठहरेंगे नहीं, लेकिन उन्हें टीचर बनकर बहुत कुछ सिखाकर आगे बढ़ाने वाले बन जाएंगे। तो किसी को विघ्न पीछे हटाते हैं और किसी को आगे बढ़ाते हैं। विघ्न हमारे लिए लिफ्ट बन जाएं, इसके लिए हम अत्यधिक योग युक्त और युक्ति युक्त होने का पुरुषार्थ करें। जो मनुष्य योगी है, जो इस संसार में रहता ही नहीं, तो संसार की माया और संसार के तूफान उसका क्या करेंगे। जब आते हैं तो देखते हैं ये महापुरुष तो यहाँ है ही नहीं, तो नमस्कार करके वापिस चले जाते हैं। तो हम योग युक्त हो जाएं। बहुत समय बाह्य मुक्ता में रहे हैं, हजारों साल बाह्य चिंतन में व्यतीत कर दिए हैं। अब अंतर्मुखी होकर चिंतन करना है। जैसे यदि आप एक व्यापारी हैं या अधिकारी हैं, तो आप अवश्य चिंतन करते हैं कि मुझे किस समय पर अपने व्यापार को किस तरह बढ़ाना है। यदि आप अंतर्मुखी ना हो तो आपका कारोबार भी वृद्धि को नहीं पाएगा। जो मनुष्य गहन चिंतक होता है, वही हर फील्ड में चिंतन करके उसमें विकास करता है। हम भी अंतर्मुखी होकर गहनता से चिंतन करें, मुझे संगम युग पर क्या क्या कर लेना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, और जो मुझे नहीं करना चाहिए उससे पूरी तरह मुख मोड़ लें, और जो करना चाहिए उसकी प्लानिंग करें और उस पर संपूर्ण रूप से डेडिकेट कर दें। सुचिंतन करते हुए अंतर्मुखी होकर जो मनुष्य आगे बढ़ता है, वो निरंतर मंजिल की ओर बढ़ता जाता है। और जब मनुष्य तेज चलता है, तो बहुत सारे साइड में दिखने वाले सीन सीनरियां समाप्त हो जाते हैं, पीछे छूटते जाते हैं। उनसे हम अपने को कनेक्ट भी नहीं करते, हम उनके बारे में सोचते भी नहीं, बस देखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। इसी तरह हमें यदि विघ्नों से मुक्त रहना है, तो हम अपने को किसी महान लक्ष्य को पाने की लगन में मग्न कर दें, बस उस ओर चलते रहें। जैसे मुझे तो फरिश्ता बनना है, मुझे तो संपूर्ण शांति को प्राप्त करना है, या मुझे तो जीवन में खुशियों का भंडार भर लेना है। ये भी लक्ष्य है और संपूर्ण बनना भी लक्ष्य है। निरंतर योग युक्त होने को अपना लक्ष्य बना लें कि मेरा पहला काम है बाबा को अपने पास रखना, या स्वयं को बाबा के पास रखना, बाकी सारे कारोबार सारे कार्य सेकेंडरी होंगे। ऐसा लक्ष्य रखकर यदि हम तीव्र गति से चलेंगे, तो विघ्न स्वतः ही पीछे छूट जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए विघ्नों में आप घबराएं नहीं, अपनी शक्तियों को पहचानें, अपनी कंट्रोलिंग पावर को और अच्छा करें और देखें जीवन कितना सुंदर बनता है। तो आज सारा दिन
इस स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं विघ्नों से मुक्त हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, मुझे तो दूसरों के विघ्न नष्ट करने हैं, मेरे विघ्न कहाँ ठहर सकते हैं। और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, सेकंड में परम धाम में जाना, बाबा के पास बैठ जाना, उसकी शक्तियां स्वयं में भरना, फिर नीचे आना तो अनुभव करना उसके वाइब्रेशंस मुझ पर पड़ रहे हैं। ओम शांति।